तो कोरोना लगातार झटका दे रहा है। एक बड़ा झटका सरकारी कर्मचारियों को भी आज लगा। देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने झटका दिया है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगा दी है। दरअसल कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट की वजह से सरकार ने फैसला लिया है। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। देश में कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की अगली किस्त को 1 जुलाई 2021 तक न देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने इसी के साथ ये भी साफ किया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एरियर के तौर पर भी नहीं मिलेगा। कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने में लगी केंद्र सरकार ने बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए अपने खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाली महंगाई भत्ते की नई किस्तों पर 1 जुलाई 2021 तक के लिए रोक लगा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने मार्च महीने में डीए में 4% बढ़ाने की मंजूरी दी थी। बढ़ोतरी के बाद ये 21% तक पहुंच जाता, अब इस वृद्धि को रोक दिया गया है। इस फैसले के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए यानी महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई इंस्टॉलमेंट पर रोक लगा दी गई है। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर लगी ये रोक 1 जुलाई 2021 तक जारी रहेगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक 1 जनवरी 2020 से जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को डीए की इंस्टॉलमेंट मिलने वाली थी उस पर रोक लगा दी गई है। वहीं 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 से मिलने वाली अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट पर भी रोक लगाई गई है। इस इंस्टॉलमेंट पर रोक लगाने से केंद्र सरकार को करीब 37,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। अब इसके आगे क्या फैसला लिया जाएगा ये 1 जुलाई 2021 को साफ होगा। जो डीए रोका जा रहा है उसका एरियर के तौर पर भी भुगतान नहीं होगा। इस आदेश में केंद्र सरकार ने कहा है कि मौजूदा दरों पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान जारी रहेगा। इसके अलावा वेतन में बच्चों की पढ़ाई का भत्ता मिलता रहेगा। चिकित्सा भत्ता केवल आपातकालीन स्थिति में ही प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशन भोगियों पर असर पड़ेगा। दरअसल कोरोना वायरस के संकट की वजह से देश में लॉकडाउन पार्ट 2 जारी है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। केंद्र सरकार का वित्तीय कैलेंडर कोरोना के चलते प्रभावित हुआ है। केंद्र सरकार के टैक्स राजस्व में गिरावट आई है, जबकि कमजोर तबकों को आर्थिक मदद देने के कारण खर्चों में वृद्धि हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की योजनाओं में कटौती की जा रही है। इससे पहले केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, मंत्रियों की सैलरी में 30% तक की कटौती का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, सांसद निधि फंड को भी 2 साल के लिए निरस्त कर दिया गया था। जाहिर है केंद्र सरकार के डीए को राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों पर लागू करती हैं, लेकिन केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते पर रोक के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि राज्य सरकारें भी अपने राज्य में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता न देने का फैसला कर सकते हैं। ऐसे में कोरोना संकट के बीच ये फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।